ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि आज हमारे बीच हम सबके अगुआ और मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत हमारे श्रद्धेय कुलपति जी ने एक दिन स्वयं कहा कि जो लोक संगीत के क्षेत्र में ऐसे लोगों का नाम बताइए जिन्होंने लोक संगीत के लिए अपनी पूरी जीवन की ऊर्जा दे दी हो, और ऐसे लोगों को विश्वविद्यालय सम्मानित करेगा। हम उनके साथ कुछ पल बिताना चाहते हैं। विश्वविद्यालय इस साल रजत जयंती वर्ष में है और हम वर्ष भर 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम करते रहेंगे। उसी उपलक्ष्य में लोक संगीतकारों का की पहचान हो रही है, खोज हो रही है, सर्वेक्षण हो रहा है। ऐसे में इसकी शुरुआत सबसे पहले बाबू बसराज सिंह से हो रही है, और विश्वविद्यालय इसी वर्ष सामुदायिक रेडियो की स्थापना कर रहा है, जिससे हमारे गांव के भाई बंधु जो है वो खेती किसानी बाजार का भाव के अलावा मनोरंजन में अपने लोक संगीत को सुनेंगे, अपने बीच के लोक गायकों को सुनेंगे। इसके लिए हम सब हृदय से ऐसे मानवीय व्यक्तित्व से गुणों से युक्त हमारे कुलपति जी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन स्वागत करते हैं। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं लोक संगीत के संरक्षण के रूप में जाने जाने वाले संरक्षक पंडित श्रीपद उपाध्याय जी से निवेदन करूँगा कि आगे का संचालन और अपने लोक संगीत के बारे में दो शब्द बाबू बंसराज सिंह के बारे में, चूँकि आप सहपाठी रहे हैं, आपने विश्वविद्यालय की शिक्षा साथ साथ पूरी किया, उनके बारे में दो शब्द से हम लोग अवगत। लोकगीत जैसा हमारे डॉक्टर मनोज मिश्रा जी ने कहा, इसका लोप हो रहा है। दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारी संस्कृति के लिए परम दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकगीतों में हमारी संस्कृति एकदम छिपी हुई है। अगर लोकगीत समाप्त हो गए तो हमारी भारत की मूल संस्कृति समाप्त होने का भय है। बड़े बड़े साहित्यकार साहित्य का सृजन करते हैं। रत्नाकर जी को आप देखिए, पद्माकर जी को देखिए, बिहारी जी को देखिए, रीत काल में घनानंद हुए, मतिराम जी हुए, सारे लोग बड़े बड़े धुरंधर लोग हुए हैं। लेकिन इन लोगों ने जो रचना की हमारे लोक साहित्य में, हमारे लोक कलाकार अगर देखा जाए तो इनसे कम उनकी सोच नहीं। जो हमारे देहात का जो फाग है, हमारे यहाँ रामायण है, रामचरितमानस पर रामायण की विधा है, और फिर वीर वाणी में रामायण होता है, नारदी वाणी में रामायण होता है, बनारसी वाणी में रामायण होता है। तो हम लोग करीब 3 बजे समाचार पाए, हमने ताप को हम रामायण सुनाते हैं यहाँ का, और वीर वाणी में रामायण सुनाते, जो कि आप समझिए कहीं कोई अब इसकी गायकी कहीं रही नहीं गई। ढोलक का इतना बड़ा कलाकार हमारे कम से कम कमीशन में कोई नहीं। चौताल के मामले में ये बेजोड़ से ऐसा चौताल की ढोलक आप समझिए कहीं भी। हम लोग 4-5 जिलों में गए और बड़ा बड़े बड़े इसका टूर्नामेंट आ रहे थे। अभी हम वहाँ सुजानगंज गए थे, हरियाणा गए थे, लेकिन चौताल के मामले में ये बेजोड़ रहे, इनका कोई मुकाबला ही नहीं रहा। और हम अब अगली कड़ी में चाहेंगे अपने परम श्रद्धेय कुलपति जी से कि आज जिस उद्देश्य के लिए आए हैं आप परम श्रद्धेय बाबू बंसराज सिंह जी को सम्मानित। उपाध्याय जी, यहाँ उपस्थित सम्मान्य अतिथिगण, विश्वविद्यालय में मेरे सहकर्मी और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक मनोज जी, आज यहाँ उपस्थित होकर और वंशराज जी के संपर्क में कुछ क्षण बिताकर मैं व्यक्तिगत रूप से अपने को और समग्र रूप से
विश्वविद्यालय को बहुत भाग्यवान समझता हूँ। मैं आज ही अपने कुछ साथियों से बात कर रहा था, इन्हीं जैसे महान एक कलाकार का कार्यक्रम था, किसी प्रशंसक ने इनसे कहा आपकी इतनी सुंदर प्रस्तुति थी कि मैं इस पर अपना जीवन न्योछावर कर दूं। कलाकार ने कहा मैंने यही किया। कलाकार ने बहुत धीरे से कहा कि मैंने यही किया। तो कलाकार अपना सारा जीवन समर्पित करता है कला के लिए, जो हम लोगों के लिए सिर्फ थोड़े से मनोरंजन का साधन हो जाता है, कुछ लोगों के लिए कुछ समय के लिए अपने को भूल जाने का साधन होता है। कलाकार के लिए वो माध्यम भगवान से जुड़ने का माध्यम होता है। कलाकार अपनी कला के माध्यम से भगवान से जुड़ता है और अपने सुनाने वालों को उसके शक्ति से परिचित कराता है, उसके विचारों में। उपाध्याय जी ने लोकगीत लोक संगीत के बारे में कुछ बातें बताई। सूफी साहित्य के बारे में बताया। मैं इसके बारे में एक छोटी सी बात बताऊं, मैं अब भी जब भी कभी मैं सुनता हूं काहे को ब्याही विदेश, मैं सच मानिए पूरा नहीं सुन पाता हूं, मेरे अब भी आंसू आ जाते। इससे जुड़ी मैं एक छोटी सी घटना बताऊं आपको। बहुत कलाकारों ने गाया है इसे, सहगल साहब ने भी गाया है, और सहगल साहब ने गाते हुए उसमें एक पंक्ति कही कि अंगना तो पर्वत भया तेहरी भई विदेश। और आप जानते हैं कि ये लाइन, ये पंक्ति गलत है, क्योंकि देहरी पर्वत थी और अंगना विदेश था, लेकिन वो गाते हुए उसको भाव में, और वही मशहूर हो गया। आज उनका आप रिकॉर्ड सुनेंगे तो आपको यही मिलेगा। मैं बहुत बार सुनाया है उसको। तो संगीत और ये कलाएं तो हमें भगवान से जोड़ती हैं। अपने आप को बिल्कुल हम भूल जाते हैं जब उसमें रमते हैं। कई विधाओं के बारे में इन्होंने बताया। रामायण के पाठ के बारे में जैसा इन्होंने कहा, और ये कहा कि बहुत ही थोड़े से लोग हैं, हम अपने सामुदायिक रेडियो के माध्यम से आपकी उन बातों को भी रिकॉर्ड करेंगे और उन नीति निर्धारित करने वाले लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो भाई तो ये देखिए कि ये जो है ना, ये बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ लाए हैं, कुछ सोचो इसके बारे में। मैं अपने सभी साथियों की ओर से आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक अवसर नहीं है, ये एक शुरुआत है। हम यहाँ इसी प्रकार कलाकारों से मिलने आते रहेंगे, कलाकारों को अपने विश्वविद्यालय में बुलाते रहेंगे। ये बड़े हर्ष की बात है कि माननीय कुलपति जी ने आज
एक ग्रामांचल में आकर के और एक ऐसे आदमी को सम्मानित किया जो कि एक तरह से गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे। 70 साल के पार में चल रहा हूँ और आप जो है महाविभूति पहले ऐसे हैं, लेकिन आपने कहा नहीं, जब वो बीमारी हालत में चल रहे हैं ऐसी बात है तो मैं जो है चल करके उनके घर पर उन्हें सम्मानित करूँगा। तो मैं तो धन्य हो गया जो है आपके जो है यहाँ उपस्थिति से, आपने मुझे जो है जो प्रदान किया है जो है इस समय, उसका कहाँ तक मैं गुणगान करूँ।